कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो यार लास्ट टाइम जो मैंने छोड़ा था वो था एसेप्ट थंडरस ट्रबल मेकर, जिसका मतलब एक नए एंजनाथ से अपने को फाइट करनी थी, और वो था इलेक्ट्रिसिटी वाला एंजनाथ, फलगर एंजनाथ जिसका नाम था। तो चलो यार उसी के लिए चलते हैं। लॉन्ग सॉर्ड का स्टैंडर्ड सेट उठा लूँगा मैं, डेकोरेशंस में देखता हूँ क्या क्या है मेरे पास। विंड रेजिस्टेंस ब्रीज ज्वेल उठा लेता हूँ, क्योंकि एंजनाथ फुट स्टॉम्प्स बहुत ज़्यादा मारता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रेमर आए उससे। इवेजन है मेरे पास, एक वाइटलिटी ज्वेल भी उठा लेता हूँ जिससे मेरे को वाइटलिटी बूस्ट मिल सके, लेकिन हेल्थ बूस्ट ऑलरेडी है मेरे पास तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो और तो कुछ लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा अभी काम आए। खैर स्टेडफीस्ट ही उठा लेता हूँ ताकि स्टन से थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल सके। तो यार सबसे पहले मैं जाऊँगा एक मील करने, क्योंकि नया हंट है और मैं नहीं चाहता कि बीच हंट में मेरा स्टैमिना आधा ख़त्म हो जाए। तो यार मील भी कर चुके हैं, क्वेस्ट भी रेडी है अपने पास, तो चलो मेन क्वेस्ट सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं एंजनाथ की बजाने। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझे एक नया तरह का ज्वेल मिला है जो बेसिकली क्या कहते हैं, हॉट ड्रिंक्स की जो नेसेसिटी है वो हटा देता है। तो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ, वो है वार्मिंग ज्वेल, कोल्ड प्रूफ, राइट। तो ब्रेस की जगह मैं ये उठा लेता हूँ ताकि मुझे बार बार हॉट ड्रिंक्स पीने की ज़रूरत ना पड़े। इसका बेसिकली क्या काम यह है कि जैसे ही बर्फ़ पे घुसते थे, तुमने नोटिस किया होगा अगर पहले एपिसोड पे देखा होगा, जैसे ही बर्फीले बायोम में घुसते थे वैसे ही स्टैमिना धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता था। तो ये स्टैमिना डिक्रीज़ का जो इफ़ेक्ट है उसको हटाने के लिए एक हॉट ड्रिंक पीना पड़ता था। तो वार्मिंग ज्वेल जो है वो हॉट ड्रिंक की जो नेसेसिटी है उसको पूरी तरीके से हटा देता है। तो अब नॉर्मली मतलब ऐसे जाके लड़ सकते हैं किसी भी आइस बायोम में बिना हॉट ड्रिंक्स के। और अगर बैरियोथ के साथ तुमने नोटिस किया होगा, मिड फाइट में ही स्टैमिना धीरे धीरे खत्म होने लगा था। तो यार कॉन्वॉय आ रहा है, हॉट ड्रिंक पता नहीं मैंने क्यों उठाया, जरूरत तो है नहीं। तो खैर चलते हैं एंजनाथ के पास। स्लिंगर एमो मैंने उठा लिया है, अब बस उसके फुटप्रिंट्स ढूंढने। और जितना मेरे को आइडिया है, जितना पहले मैंने एंजनाथ को देखा है, तो मुझे लगता है वो उसी एरिया पे होगा जहाँ पर बैरियोथ यूजुअली मिलता है। तो वहीं पर चल के देख लेते हैं। फुटप्रिंट्स वगैरह मिल नहीं रहे, यूजुअली स्काउट फ्लाइज थोड़े बहुत सेंट उठा लेते हैं, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। दो पेंगुइन्स खड़े हैं यहाँ पे, और वहाँ पर नीचे देख सकते हो साइक्लोन चल रहा है होरोफ्रोस रीच में। तो ये साइक्लोन हमेशा से ही था। ओ, पेंगुइन ने सुसाइड कर लिया वहाँ पर। खैर लगता है ये भी सुसाइड करने वाला है। नहीं ओके, ये भी कूद गया यहाँ से। थोड़े डिप्रेस्ड पेंगुइन थे वो लोग, बट ठीक है उनको इग्नोर करते हैं। वैसे ही पानी में गिर रहे वो लोग, तो मुझे नहीं लगता अपने को परवाह करने की ज़्यादा ज़रूरत है। टाइग्रेस के फुटप्रिंट्स, टाइग्रेस यहाँ पर क्यों है मुझे नहीं पता। तो यार टाइग्रेक्स से तो लड़ना है नहीं, तो एंजनाथ को ही ढूंढने निकलते हैं। मिनी मैप में टाइग्रेक्स दिख भी चुका है। यहाँ का कैंप मुझे अनलॉक करना है, और नहीं नहीं यहाँ का कैंप शायद मैंने अनलॉक कर लिया है। खैर एंजनाथ के फुटप्रिंट्स यही है क्या? ये कुछ तो भी नया फुटप्रिंट है क्योंकि उसमें क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। बड़ी अजीब बात है। ओके वहाँ पर देख सकते हो यार,
खड़ा है अपना टीरेक्स। तो यार दे देते इसको जल्दी से वॉल बैंड, और सबसे पहले मैं इसके पैरों को टेंडराइज करूंगा क्योंकि वही एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा हिट्स पड़ने वाले हैं इसको। फोर साइड, बढ़िया। एक और बार, ओके। अब वो गुस्सा हो चुका है, म्यूजिक भी खतरनाक बजने लगी है। बढ़िया, फोर साइड। काफी सारे नए मूव्स भी आ चुके हैं इसके पास। इस मूव को मैं कभी भी समझ नहीं पाता हूं। उस मूव में कांटेक्ट तो होता है नहीं, लेकिन हमेशा लग ही जाता है। फोर साइड, कॉम्बो कंप्लीट। फिर से इसके हर एक अटैक को फोरसाइट कर रहा हूं मैं। फिर से नाइस, बढ़िया बढ़िया पासा। मेरी गलती थी, मैंने मिस कर दिया। थंडर ब्लाइट लग चुका है मेरे को। ओहो, बहुत ही सही टाइम पे पैरालाइज हुआ है ये। लेकिन मेरा स्पिरिट गेज फुल नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर से देख ही सकते हो कितनी बुरी तरीके से म्यूकस फेंक रहा है वो। बढ़िया शॉट, लड़ खड़ा गया है वो। यही सही टाइम है। बहुत ही बुरा अटैक था वो। जल्दी से कुछ कर लूंगा मैं हील। यार हो गया मैं सर यहाँ पे, फिर से खत्म। चलो ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं था वो, बच गया। अब उसको बुरी तरीके से गुस्सा आ चुका है। बहुत ही ज्यादा हेल्थ कम कर दी है इसने मेरी। मेगा पोशंस भी नहीं है मेरे पास, हनी भी नहीं है क्राफ्ट करने के लिए, तो नॉर्मल पोशन से ही काम चलाना पड़ेगा यहाँ पे। हाल बुरा है यहाँ पर मेरा, एक नलबेरी ही खा लेता हूँ नहीं तो बार बार स्टन होता रहूँगा। मैं एंटीडोट पे बार बार क्यों कर्सर रख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। स्ट्रिक्ट ड्रिफ्ट भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास। चलो यार एटलीस्ट कुछ मेगा पोशंस मिल गए, तो एक मैं अभी पी लूँगा, बाकी का बाद के लिए बचा कर रखता हूँ। ओके, फिर से रेडी है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उसका एग्रो अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। एक और वॉल बैंड, नाइस। आ गया इसको, कोई दिक्कत नहीं। फोर साइड, फिर से इसके पैरों को टेंडराइज करूंगा। ये कैसे हुआ?
से सिर्फ स्टॉम्प किया और जमीन पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई। हील कर लेता हूँ खुद को। अरे यार काफी देर कर दी लगता है मेरे हील करने में। धन्यवाद बिल्ले, इसका ये मूव बड़ा खतरनाक है। पहला टेंडराइज, नाइस। फिर से पूछ पे यार, फिर से पूछ पे। ये यार कुछ ज्यादा ही इसके खतरनाक मूव्स है, मुश्किल लग रहा है इससे लड़ना थोड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुश्किल आई और मैं लड़ा नहीं हूं। ओहो बढ़िया, स्टन मिल चुका है, पूंछ तैयार है एकदम फ्रेश। नहीं अरे यार बहुत जल्दी उड़ गया ये। खैर दूसरा पैर भी हो चुका है टेंडराइज। ओहो नाइस, एक फोरसाइट नहीं, एक हेल्म ब्रेकर बस। बढ़िया, हेड पे एकदम पड़ी है उसके हेल्म ब्रेकर। शार्पनेस मेरी कम हो चुकी है, शार्पनेस भर लेता हूं बस। बहुत ही सरप्राइजिंग मूव्स है इसके। यूजुअली अंजनाथ के मूव्स मुझे लगे थे कि पुराने वाले की तरह ही होंगे, लेकिन ये तो अलग ही लेवल पे है। इसको फिर से मैं एक वॉल बैंक दे सकता हूं। एक और बार, नाइस। मेरे पास कुछ है नहीं वॉल बैंक देने के लिए। शिट, जल्दी जल्दी स्लिंगर है मैं उठा लूंगा। नहीं 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 नहीं, बस बढ़िया, एक बस, नाइस। आइस ब्लाइट लग चुका है मुझे, देख ही सकते हो। और आइस ब्लाइट शायद इसलिए लगा क्योंकि मैं ठंडे पानी में ज्यादा टाइम रुक गया था। बहुत ही बुरा मूव, मेगा पोशन पीना पड़ेगा अभी। एक पैरों में टेंडराइज कम हो चुका है। थैंक्स बिल्ले, बढ़िया। हेडशॉट में ले सकता हूं मैं। अंजनाथ उठता बहुत जल्दी है। खैर फोरसाइट, हेल्प बेकर, बढ़िया शॉट था। पार्ट ब्रेक मिल चुका है, साइट अच्छा हुआ उस टाइम पे हट गया मैं। पैर को फिर से टेंडराइज कर दूंगा। थूक रहा है मेरे पे यार, मैं तो नहीं सहूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
उसका एग्रो फिर से ख़त्म हो चुका है, कोशिश करूँगा उसको एक और बार टेंडराइज करने की। एक सवारी मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन इंसेक्ट लेप भी नहीं है मेरे पास। गलत टाइम पे हिपचेक, लेकिन सही टाइम पे थक चुका है वो। वॉल बैंक नाइस, टाइम है अभी। मुझे लगा था उसके हेड पे हेल्प ब्रेकर पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और बार वो पैरालाइज हो चुका है। हेड पे नाइस, पार्ट ब्रेक नहीं मिला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा वो अटैक करने वाला है। ओके ने फोर साइड से हट करके मारा। मटेरियल उठा लिया मैंने, थक चुका है। हेल्म ब्रेकर बढ़िया, इसकी पूंछ काटूंगा मैं। लेकिन इसकी स्पीड ही इतनी है कि ये पूंछ काटने का मौका ही नहीं देता। ओके, अब इसको पूरी तरीके से गुस्सा आ चुका है। मेरी हेल्थ भी काफी कम हो चुकी है, मैं स्टन हो चुका था वहां पे, अगर नोटिस किया तो। मुझे नहीं लगता यहां से मैं हील करके निकल पाऊंगा। पूछ काट दी, पूछ कट चुकी है दोस्तों, पूछ कट चुकी है। बढ़िया, एटलीस्ट एक अचीवमेंट अनलॉक हुआ। वो लगे पड़ा है वहां पे। थैंक्स विल्ले, टाइग्रेस आ चुका है। टर्फ वॉर नाइस, टर्फ वॉर। तो यार होपफुली टाइग्रेस इसकी थोड़ी सी हेल्थ कम कर देगा। दबा दे टाइग्रेस, बढ़िया। 1900 डैमेज एक बार में दिया है टाइग्रेस ने। फलगर हो चुका है कमजोर। नाइस, तो मौका मैं लूंगा, इसकी पूंछ लूट लूंगा बस। पूंछ नहीं लूटा मैंने। अच्छा तो टाइग्रेक्स के जब जॉ टकराते हैं उसकी आवाज तुम सुन पा रहे थे, एकदम क्रंच की आवाज आई थी सिर्फ उसके जबड़े टकराने से ही। तो समझ ही सकते हो टाइग्रेक्स नाम से ही सिर्फ मसल पावर पे डिपेंड करता है, कुछ हेलमेट्स वगैरह नहीं है उसके पास। तो एक बार पास में ही कैंप है, वहाँ पर घुस के मैं अपने ट्रैप टूल्स वगैरह रीस्टॉक कर लूँगा, क्योंकि अंजनाद कमज़ोर हो चुका है, उसको मैं कर लूँगा ट्रैप। मेरे पास तो पोशंस वगैरह भी कम है, लगता पोशंस वगैरह भी एक बार फार्म करने पड़ेंगे। मेरे को और चाहिए, क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊंगा, देखूंगा कि शॉक ट्रैप क्राफ्टेबल है। नाइस, ओके, दो ट्रैंक बॉम्ब्स, एक शॉक ट्रैप, इतना इनफ होगा अंजनाथ को फंसाने के लिए। बुरी तरीके से थक चुका है वो, ने गुफा में ही जा रहा है जितना मुझे लगता है, और मेरा काम है उसका पीछा करना। ये पीछे पड़ गए यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ के जैगराज है, तो उनको मैं इग्नोर कर दूंगा। ओके, एक और हनी मिल चुका है मेरे को, बहुत अच्छी बात है। तो यार देख सकते हो यहाँ पर गधे बेच के सो रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ।
और यार अंजनाथ हो चुका है कैप्चर। बहुत ही टाइगर जैसा डिजाइन है इसका, आई मीन कलर डिजाइन टाइगर जैसा है, लेकिन बाकी तो वही सेम डायनासोर है जिससे लड़ते आए हैं हाई रैंक से। बहुत सारे नए मूव्स थे और बहुत सारे खतरनाक मूव्स थे, खासकर जो ग्राउंड में डिस्चार्ज करता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी। तो यार फलगर के बारे में मैं तुमको कुछ बता दूँ, इस गेम में इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना कि बहुत मतलब कम एनिमल्स जनरेट कर सकते हैं खुद की शरीर से। फलगर क्या होता है ना, फलगर एक कीड़े का नाम है। तो अंजनाथ वगैरह जो है वो उस फलगर वाले कीड़े के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा और थोड़ी सी डिटेल में। तो यार नया कॉन्वॉय आ चुका है, कुछ नए मटेरियल्स वगैरह जुड़ चुके हैं सेलियाना में। Good to see you back in one piece. फील्ड टीम लीडर बोलते हैं, You're all right and thanks. Securing that route is huge. Saliana's up and running. It's amazing how fast everybody got the place together. Mm-hmm. I know you only just got back, but I haven't got news from Astera. They say even more subspecies never seen in the New World are suddenly crawling out of the woodwork. But with so many hunters out here, Astera's short on manpower. Yeah. I don't suppose I could ask you to head back east and lend a hand. With your hands already full with rushing those fortifications to us, I'm worried somebody's going to do something crazy. But you know when to call mission if things get out of hand? I trust you, and so does everyone back at Astera. If we could get you out there, it would be a huge relief. I really appreciate it. तो यार एस्टेरा में जाने का अभी कोई तो भी क्वेस्ट आया है, लेकिन एस्टेरा में जाने से पहले मैं स्मृति के पास जाऊंगा, देखता हूँ फलगर अंजनाथ से कौन कौन से नए आइटम्स वगैरह क्राफ्ट हो सकते हैं और उससे ये भी चेक करूँगा, देखते हैं आर्मर वगैरह। स्ट्राइकिंग का है, फलगर का दिख नहीं रहा मुझे। फलगर ये है, गोल्डन आर्मर है फलगर का। हेलमेट में मेरे को 1 point वीकनेस एक्सप्लॉइट मिल रहा है। फ्लिंच फ्री ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइटम प्रोलोंगर ठीक ठाक स्किल है। वीकनेस एक्सप्लॉइट और आइटम प्रोलोंगर यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं और थंडर अटैक मुझे मिल रहा है। तो अगर तुमको याद होगा कि क्या कहते हैं, स्किल्स जो है वो यूजुअली क्या कहते हैं, सेट डिपेंडेंट भी होते हैं। तो अगर मैं फलगर का स्किल देखूं, एंजना डोमिनेंस, स्टैमिना का जो कैप है वो इंक्रीज हो रहा है, वो भी सिर्फ 2 pieces से। तो अगर मेरे पास 3 pieces नारगा कुगा है और 2 pieces फलगर के हैं, तो मैं हेल्थ बूस्ट वगैरह तीनों में कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ मेरे पास नारगा कुगा के कौन कौन से पीसेस है, जो कि है चेस्ट पीस, आर्म पीस और लेग पीस। तो अगर मैं वेस्ट और हेड जो है फलगर का लगा लूँ, तो मेरा स्टैमिना जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसके लिए मुझे चाहिए फलगर अंजनाथ मेंटल, जो कि बहुत मुश्किल है मिलना। और फलगर अंजनाथ लैश, मैंने पूंछ तो काटी थी बट वो मिला नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ देख लेते हैं, हार्ड फैंग यहाँ पर ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर नहीं। थिक फर यहाँ पर 3 चाहिए और यहाँ पर भी 3 चाहिए। तो यार एक और फलगर के हंट में अगर मैं चले जाऊँ तो चांसेस है कि मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो वही करते हैं, एक और अंजनाथ को हंट कर लेते हैं, और इस बार मैं यूज़ करूँगा इंसेक्ट ग्लेव, क्योंकि यार बहुत ही मुश्किल था उसको पकड़ना, खासकर कि मतलब शुरू शुरू में तो लग ही रहा था कि पकड़ ही लेंगे किसी तरीके से, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया उसी तरीके से लगा कि उसको बार बार फोरसाइट करना मुश्किल है, क्योंकि वो फॉलो अप अटैक्स बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो यार मेरे पास एक इंसेक्ट जो ये था, जो थोड़ा स्लो था लेकिन हील अच्छा खासा देता था और पावर अच्छी खासी थी,
और मेरे पास एक ये इंसेक्ट है जिसकी स्पीड बहुत है, हील भी अच्छी है, लेकिन पावर कम है। तो इस बार यही यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा हीलिंग पे फोकस करूँगा मैं इस बार, और डेकोरेशंस भी चेंज कर ही लूँगा। देखता हूँ हेल्थ बूस्ट कितना है मेरे पास। हेल्थ बूस्ट लेवल 3 है, अच्छी बात है। थंडर रेजिस्टेंस ये उठा सकता हूँ मैं, क्योंकि एंजनाथ बहुत ज़्यादा थंडर अटैक्स करता है। हार्ड मियास्टर की जगह अगर मैं कुछ और उठा सकूँ तो रिकवरी ज्वेल, रिकवरी स्पीड बढ़ा देता है ये, तो मैं ये उठा लूँगा। और सबसे पहले तो यार मैं अपने बोटैनिस्ट के पास जाकर देखूँगा हनी वगैरह अगर क्राफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो हनी तो तैयार है, कलेक्ट हार्वेस्ट कर लेता हूँ मैं, और कुछ मेगा पोशंस क्राफ्ट कर लूँगा उसी से, क्योंकि मेगा पोशंस की कमी है अभी मेरे पास। क्राफ्टिंग लिस्ट, मेगा पोशंस, मेरे पास हर्ब्स की भी कमी है, बहुत सही। तो यहाँ पर हर चीज़ की कमी दिख रही है अभी मेरे पास। तो बेस्ट है सबसे पहले इसके पास थोड़े से हर्ब्स वगैरह भी मैं डाल देता हूँ। कल्टीवेट, नॉर्मल हर्ब नहीं है क्या? हाँ है। तो हर्ब डाल दिए, स्लीप हर्ब डाल दिए, कुछ और ट्रैप टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ कि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अरे यार, क्राफ्टिंग लिस्ट, शॉक ट्रैप और कुछ ट्रैंक बॉम्ब्स, ट्रैंक बॉम्ब सारे ही क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। आठ ट्रैंक बॉम्ब्स और ये, तो यार चलते हैं एंजनाथ से फिर से लड़ने। लेवल 4 का क्वेस्ट है, स्पेशल अरीना में भी आ चुका है, तो चलो स्पेशल अरीना में ही इसे लड़ लेते हैं। ना आइस ब्लाइट की दिक्कत रहेगी, ना एनवायरनमेंट की टेंशन रहेगी, बस दिक्कत यही है स्पेशल अरीना में समझ नहीं आएगा कि कब इसको कैप्चर करना है, तो इसको मरना ही पड़ेगा बेसिकली। ओके, सबसे पहले मैं करूँगा मील, उसके बाद निकल लूँगा एंजनाथ के हंट के लिए। निकल चुका हूँ मैं। इंसेक्ट ग्लेव से टेंडराइज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेंडराइज का एनिमेशन थोड़ा बड़ा होता है इंसेक्ट ग्लेव में, बट खैर अगर मैं इसको सिर्फ एक वॉल बैंक दे सकूँ। बढ़िया, ऑलमोस्ट वो मुझे काटने ही वाला था। तो यार देख ही सकते हो कितना फास्ट इंसेक्ट है ये। एक और टेंडराइज देना पड़ेगा, बढ़िया। पियर्सिंग पॉड उठा लिया है मैंने, इंसेक्ट को मैं रिचार्ज कर सकता हूँ, बढ़िया। फुल पावर अप्स है, रेडी है अभी असली फाइट के लिए। पहले ही सवारी मिल चुकी है मेरे को, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ही ये ब्रेस के लिए आता है, उसी टाइम पे मैं इसके सर पे वार करूँगा। स्लैश फ्लरी आ चुका है, बहुत सही। तो यार इसकी पूंछ काटनी थी अगर याद होगा तो, सबसे पहले इसी को टेंडराइज करूंगा। ऑलमोस्ट रह गया, वो अटैक मुझे समझ नहीं आया कहाँ लगा कैसे लगा।
मुझ पे बढ़िया वार। अरे बाप रे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। इसके हिटबॉक्सेस भी जो है वो कंटिन्यूअस हिटबॉक्सेस है, तो एक बार मैं अगर डॉज रोल कर भी लूं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कोशिश करता हूं इससे पावर अप लेने की। काफी दूर तक उसने थूका है मेरे पे। नाइस। अब उसको गुस्सा आ चुका है। बहुत बुरा वार था वो। बढ़िया, एक बार फिर से चढ़ चुका हूं मैं इसके ऊपर। पूंछ पे वार करना है मुझे, लेकिन ऑलरेडी मूव का बटन आ चुका है इससे। स्लैश फ्लरी तो इसके पूंछ पे ही दे रही है मुझे। बढ़िया, कंटिन्यूअस अटैक। बहुत ही अजीब से हिटबॉक्सेस है यार इसके। पूंछ काट दी मैंने, बहुत सही, जिस चीज की जरूरत थी वो कट गई। एक और बार नहीं, बहुत ही zigzag अटैक से इसके समझना मुश्किल है। एक हेडशॉट, नाइस। अरे यार, बढ़िया डॉज था, मुझे लगा ही था वो वही अटैक करने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे। तो यार देख ही सकते हो ये वाला किंसेट जो है हीलिंग बढ़िया देता है। पासा, आइस, फिर से इसको कर देता हूं मैं टेंडराइज। एक वॉल बैंक दे सकता हूं, बहुत सही। बार बार बचा वहां पे। एक और सवारी की कोशिश। बढ़िया, अभी इसका मेम्ब्रेन अगर तोड़ तो मजा आ जाएगा। लेकिन मेम्ब्रेन का पार्ट ब्रेक मिलना तो मुश्किल है। देख ही सकते हो यहां पर दो बड़े बड़े पंखों जैसे मेम्ब्रेन है इसके। स्लैश फ्लरी आ चुकी है, नाइस। मेम्ब्रेन पे बढ़िया अटैक।
किनसेक को चार्ज करना पड़ेगा मुझे, और ऊपर से मेरी शार्पनेस भी कम हो चुकी है। और इसको भी गुस्सा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। उसका एलिमेंट ऑफ हो गया, उसका एलिमेंट ऑफ हो गया। नाइस, ऐसा लग रहा है फायर भी उसी की कमजोरी है। नाइनटी थ्री, नॉट बैड। एक और सवारी, बढ़िया। हेड पे अटैक, स्टैमिना ज्यादा खत्म हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, टाइम पे मैं ब्रेस नहीं कर पाया। फ्लरी आ चुकी है, कर देता हूं हमला। एक बार फिर से मौका मिला है, बहुत सही। काफी बड़ी सवारी मिली है इस बार। ये चीज हेड पे करना था, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। हेड को मैं कर दूंगा टेंडराइज और हेड पे मारूंगा हेडशॉट। नाइस, बुरा मूव। थैंक्स बिल्ले। पावर अप्स खत्म, फिर से कलेक्ट कर लेता हूं। एंजना थक चुका है, और जैसे कि तुम्हें याद होगा लड़ाई के टाइम थकना मना है। और देख सकते हो इसका एग्रो भी खत्म हो चुका है। तो एग्रो खत्म, तो वॉल बैंक। नाइस, यहीं पर यूजुअली मूव समझ नहीं आता मुझे। हेडशॉट, चलो यार एग्रो हो चुका है वो, अब और मजा आएगा। गलत टाइम पे मजा आ गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया शॉट था। हेड पे अटैक करूंगा मैं। मॉन्स्टर्स के हेल्थ बार यार नहीं दिखाते इस गेम में, नहीं तो पता चलता कब कैप्चर करना है। फिर से बुरी हालत। किनसेक के द्वारा जो भी अरे यार फिर से नहीं, मरने वाला हूँ मैं लगता है, मरने वाला हूँ मैं लगता है, मरने वाला हूँ। खत्म खत्म। वन एचपी। बच गया। हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ। नाइस,
कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो चुका है ये। पावरअप्स बहुत ही नर्वस हो रहा हूँ मैं भी, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, बट लगता है एक वॉल बैंक दे सकता हूँ इस टाइम पे। लेकिन इससे पहले खुद को मैं शार्पन कर लूँगा, बिल्ला मेरे लिए मार खाया एक बार, और ये नाइस वॉल बैंक हो चुका है। दो शॉट्स तो मेरे लगे नहीं वैसे ही। ओके, आ चुका है इसको गुस्सा। एक और सवारी, तो यार ध्यान रखा जब भी ऐसे मेम्ब्रेन निकलता है ना तो उसके मेम्ब्रेन इसके वीक पॉइंट बन जाते हैं, और जैसे ही इसके वीक पॉइंट्स बाहर आते हैं तो उसका डैमेज तो बढ़ जाता है लेकिन उसकी वीकनेस के मतलब उसका जो वीक पॉइंट है उसको एक्सप्लॉइट मैं कर सकता हूँ, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो डैमेज लेगा ज़्यादा और डैमेज देगा भी ज़्यादा। एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मैंने। किनसे को भेजता हूँ थोड़ा हेल्थ वगैरह लेने के लिए। एक लास्ट पावर अप, नाइस। जब भी उसको हेडशॉट मारता हूं मैं हमेशा यही हाल रहता है। फिर से वही, लेकिन इस बार अच्छी बात है मैंने उसको डाउन कर दिया। बढ़िया। अरे बाप रे, क्या अटैक था वो। बढ़िया, थैंक्स बिल्ले। मेरी गलती थी वो, उसका अटैक आते हुए देखा नहीं मैंने। जैसे ही इसके मुंह से पानी बहने लगता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको कैप्चर कर सकूं। मुंह से पानी बह तो रहा है, तो चलो यार एक बार ट्राई कर लेते कैप्चर का। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ। ओके, एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने। काफ़ी लंबी लड़ाई गई वो, एटलीस्ट 20 मिनट तो गई होगी, देखते हैं। खैर हटाओ, पूंछ देखता हूँ, 10 सेकेंड है मेरे पास हार्वेस्ट करने के लिए, लगता नहीं ये हो पाएगा।
नहीं हो पाया। खैर कोई दिक्कत नहीं, होपफुली पूंछ काट दिया तो मिल जाना चाहिए। पूंछ है? पूंछ नहीं है यार, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक और चीज तो मैं क्राफ्ट कर ही सकता हूं। Let's head to Astera. There may be something we can help with. Okay, Smithy, दिखाओ अपने लिए कुछ नया आइटम है कि नहीं। एंजनाथ, एक सेकंड के लिए मुझे लग रहा है कि पहले पूछ हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद कैप्चर करना चाहिए था। अभी तक अनलॉक नहीं हुआ क्योंकि एंजनाथ लैश बाकी है और फलगर एंजनाथ मैंटल बाकी है। तो यार मैं और नहीं लड़ना चाहता फलगर एंजनाथ से, तो निकल लेते हैं एस्टेरा की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या है क्या नहीं। एस्टेरा यहाँ से निकलते हैं। प्रॉबेबली अगर एस्टेरा निकले हैं तो एक्सपीडिशन क्वेस्ट के लिए ही निकलना पड़ेगा, जितना मेरा अंदाजा है एटलीस्ट। यू टू, थैंक द स्टार्स यू आर हियर। डिड माय ग्रैंडसन सेंड यू? यस सर, द चीफ आस्क्ड अस टू कम सी इफ वी कुड हेल्प। आई एम थैंकफुल, यू आर जस्ट द हेल्प दैट वी नीडेड। इट वाजंट लॉन्ग आफ्टर यू लेफ्ट दैट वी स्टार्टेड गेटिंग रिपोर्ट्स ऑफ द सॉन्ग बीइंग हर्ड ऑल अराउंड द न्यू वर्ल्ड। Soon after that, previously undiscovered subspecies appeared, and wasted no time before starting to run amok. Commander, I have strong reason to believe that the song is what caused the Legiana to fly across the hinterlands. And if monsters start leaving their natural habitats, it's only natural that there are other consequences for the ecosystem. I think this is all tied back to what was written on the cloth. Song, and impact on the ecosystem. Ah, yes. I've been told what was written on that cloth. It seems very likely that the Puke Puke and Paulumu subspecies were a precursor to our current troubles as well. At any rate, I'll be sure to take meticulous notes about where all these monsters have started to become active. Right. I'll leave you to it. Remember, I'm counting on you to help prepare Celiana's defenses. Good luck. Subspecies. और सब स्पीशीज की और सब स्पीशीज आ चुके हैं यहाँ पर। डिसइंटीग्रेटेड प्लेट और बैड फ्रेंड्स ग्रेट एनिमीज। लेकिन फिर भी वर्कशॉप पे एक बार मैं जाऊँगा, इस बार देखूँगा कि ग्रेट स्वॉर्ड कुछ मैं अनलॉक कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ग्रेट स्वॉर्ड की याद आ रही है मुझे। और मेरे पास जो है वो पुराना डिफेंडर ग्रेट स्वॉर्ड है, तो मुझे नहीं लगता वो इतना खास रहेगा। जैगरॉस का ग्रेट स्वॉर्ड है लेकिन वो इतना खास है नहीं। और नीचे देखता हूँ, पूके पूके ग्रेट स्वॉर्ड है और यहाँ पर नाइट शेड पावलोमो का भी ग्रेट स्वॉर्ड है, लेकिन इनके ग्रेट स्वॉर्ड्स में ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा। 1000 लाइक क्या कहते हैं, 1000 रॉ डैमेज है, वाइट शार्पनेस है और 510 स्लीव डैमेज है। ओके, और जहाँ पर 1100 तक जाता है वहाँ पर ब्लू शार्पनेस आ जाती है फिर। बियोटोडस का ओके, बियोटोडस का एक अच्छा ग्रेट स्वॉर्ड है, लेकिन उसका लेवल 2 कौन सा है उसके लिए वो पता लगाना पड़ेगा। और देखता हूँ मैं, अपग्रेड में जाकर चेक करता हूँ अगर कुछ मिल सके तो। ओके, अपग्रेड में जाकर बाकियों के भी मैं चेक कर सकता हूँ क्या है क्या नहीं। ये ग्रेट जैगरॉस का है और ये बैनबेरे का ग्रेट स्वॉर्ड है। 1344 उसका रॉ डैमेज है लेकिन ब्लू शार्पनेस है, अच्छा नहीं है वो। ये अच्छा लग रहा है, नारगाको का ग्रेट स्वॉर्ड, पर्पल शार्पनेस है इस पर, 1152 उसका रॉ डैमेज है और पॉइजन है। तो एलिमेंट अनलॉक करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए पहले बहुत बड़ी ट्री है,
उसको क्राफ्ट करना पड़ेगा, तो उतना तो ग्राइंड करना नहीं है मुझे। पुके पुके 960 रॉ डैमेज है, पॉइजन 600 है। नाइट शेड नहीं, ये फल का रंजनाथ 1200 तक का डैमेज है, लेकिन पर्पल नहीं, ब्लू शार्पनेस है, कुछ खास नहीं है। बियोटोडस ठीक है, और बियोटोडस के लेवल 2 के लिए भी मेरे पास क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स है, तो मैं ये क्राफ्ट कर सकता हूँ। आइस डैमेज ग्रेट स्वॉर्ड है, काफ़ी अच्छा रहेगा। और भी देख लेता हूँ नीचे, लेकिन और ये है ब्राकीडियोस का। ब्राकीडियोस के लिए मटेरियल्स तो है, लेकिन इतना खास लग नहीं रहा मेरे को। थोड़ा हाई डैमेज और पर्पल शार्पनेस वाला सिर्फ नारका कुगा का था, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर ग्राइंड करनी पड़ेगी मुझे। और देखता हूँ, तो अभी के लिए मैं तो सोच रहा हूँ कि नारका कुका का ही स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लूँ मैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ ग्राइंडिंग वाले एपिसोड में बाद में लेकर के आऊँ, क्योंकि अभी तो अभी मुझे नहीं लगता ग्राइंडिंग के लिए सही टाइमिंग है। तो यार ठीक है, ग्राइंडिंग रहने देते। बैड फ्रेंड्स ग्रेट एनिमीज, ठीक है, सबसे पहले यही एक्सेप्ट करते हैं। साइड में जाऊँगा। ओके, डिसइंटीग्रेटेड ब्लेड, एसिडिक ग्लैविनस, एक और ग्लैविनस है, और बैड फ्रेंड ग्रेट एनिमीज में एक ओडोगेरोन है। तो यार डिसइंटीग्रेटेड ब्लेड पर चलते हैं, देखते हैं। ग्लैविनस है तो कुछ तो नया होगा ही। लॉन्ग सॉर्ड उठा लूँगा इस टाइम पे। चेंज इक्विपमेंट, डेकोरेशंस भी सेट कर ही लेता हूँ। हार्ड मियास्टर की जगह मैं उठाऊंगा यहाँ पे माइज्मा ज्वेल। तो एफ्लूवियम बिल्डअप नहीं होगा इससे, लेकिन फिर भी रिकवरी ज्वेल ही मैं उठाऊंगा, क्योंकि रिकवर तो हो नहीं रहा मैं, तो थोड़ा तेज रिकवर हो भी जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा है। रिकवरी ज्वेल मिल नहीं रहा यार मुझे, पहले ही है। नाइस, वाइटैलिटी रिकवरी का अगर लेवल 1 भी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा है। तो क्राइसिस ही उठा लेता हूँ मैं, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है खास। तो यार चल लेते हैं। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं मील करना भूल गया। होपफुली कैंपिंग में ही मैं मील कर सकता हूँ अगर अनलॉक हुआ हो तो। ओके, मील कर सकते हैं, अच्छी बात है। होपफुली यहाँ पर कुछ और हर्ब्स वगैरह मिल जाए, क्योंकि वैसे ही मेरा इक्विपमेंट बॉक्स खाली है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रैप टूल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एसिडिक ग्लैविनस है तो मैं नहीं चाहता हाथ से निकले ये। ऑलराइट, चल लेते तो फिर ग्लैविनस के हंट पे। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा सेंस मिल रहा है, ओके फुटप्रिंट्स पहले ही मिल चुके हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा सेंस मिल रहा है कि ग्लैविनस जो है वो जब रॉटन वेल पे आकर के बसा होगा, तब रॉटन वेल की जो बदबू है, या फिर कह सकते हो कि रॉटन वेल पे अडाप्ट करने के लिए, ये देख सकते हो यार ग्लैविनस के टेल का निशान है ये पक्के से। तो रॉटन वेल पे अडाप्ट करने के लिए उसकी जो पूंछ है वो कोरोड होने लगी, क्योंकि मेटल की पूंछ थी, और कोरोड होते होते एलिमेंट्स वगैरह ने उसके पूंछ में एसिड क्रिएट करना शुरू कर दिया। मेरा अंदाज़ा है ऐसा ये, इसलिए वो। और भी फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं। फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, ग्लैविनस नहीं मिल रहा।
चलो और आगे जा कर के देखते हैं, स्टैमिना भी खत्म है। ओके, स्काउट फ्लाइज ने फिर से सेंट उठा लिया है। रास्ता सही है, इस बार लगता है एक्चुअल में ही सेंट उठा लिया उन्होंने। बढ़िया, एक और ब्लेड का निशान। तो यार पहुंच गए एसिडिक ग्लेविनश में, देखते हैं इसका डिजाइन कैसा है। ब्लेड के निशान पड़े हुए हैं और क्योंकि एसिडिक ब्लेड है थोड़ा कोरोड हो चुका है वो। ओके, पत्थर कटा हुआ है यहां पे। एसिडिक ग्लेविनस, तो यार पूरा मेटल जो है उसके शरीर का वो ग्रीनिश बन चुका है कोरोजन की वजह से। और ग्रेट हीरोज अभी यहां पर मरने वाला है। ब्लेड देख सकते हो उसका किस तरीके से डिसॉल्व हो रहा है एसिड में। ओके, डिसॉल्व नहीं हुआ है उसका ब्लेड, अभी भी मजबूत है। सबको वन शॉट करे पड़ा है ये। बहुत ही मेन कैरेक्टर की तरह उसने वो तलवार मारा है। चलो यार, एसिड ग्लेविनस तैयार है, मैं तैयार हूं। और आगे पता ही चल गया होगा क्या करना है। सबसे पहले तो मैं इसको मारूंगा वॉल बैंक। वॉल बैंक होते ही मैं जाऊंगा इसके पैरों तक और पैरों को करूंगा टेंडराइज। पूंछ कभी कर दूंगा टेंडराइज, ग्रैब नहीं कर पाया। ओके, एसिड में डिफेंस डाउन डैमेज होता है। बुरा था वो। मैंने पैरों पे मारा, ये पता नहीं सर पे क्यों अटक गया। अभी सही है, फिर से। शार्प कर लिया इसने अपने ब्लेड को, तो इसको एक और बार मैं शायद वॉल बैक दे सकता हूं। अरे बाप रे, अरे यार स्पैम कर रहा है ये तो। नहीं नहीं नहीं, बस नहीं देना मेरे को इसको वॉल बैक। और बार, दो बार उसने तलवार घुमाई। बढ़िया, सही टाइम है वॉल बैंक देने का। नाइस, सर पे वार कर सकता हूं मैं इस बार। गलत टाइम पे फोरसाइट किया मैंने। बढ़िया डॉज। अरे यार, मुझे लगा था वो फिर से निशाना चूक जाएगा।
उसके मूव सेट मेरे को समझ नहीं आ रहे। हील कर लेता हूं सबसे पहले तो खुद को। मुझे लगता है इसके लिए इंसेक्ट ग्लेव लाना चाहिए था, लेकिन गलत वेपन ले आया इसके लिए मैं। और यहीं पर ऑलरेडी मेरे दो हेल्थ पोशंस ख़त्म हो चुके हैं। आगे चलकर बहुत और बुरा हाल होने वाला है। रिकवरी ज्वेल काम क्यों नहीं आ रहा मेरी तो समझ नहीं आ रहा। रिकवरी ज्वेल में अलिजिडली थोड़ा और ज़्यादा रिकवरी स्पीड होनी चाहिए थी। बढ़िया, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं हुआ कुछ भी। इसमें यही दिक्कत है कि फोरसाइट जब भी मैं मारता हूं तब इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। डिफेंस डाउन फिर से हो चुका है। तो एसिड पे जाऊं तो डिफेंस डाउन हो जाता है। ओ भाई, बहुत ही गलत टाइम पे फोरसाइट किया मैंने वहां पे। पैर भी टेंडराइज कर देता हूं। एक वॉल बैंक दे सकता हूं मुझे लगता है। नाइस नाइस, बहुत सही। सही टाइम है हेल्प ब्रेकर देने के लिए। नहीं, फिर से स्पैम कर रहा है ये। छुप जाता हूं मैं ताकि शार्पन कर सकूं मैं अपने वेपन को। बढ़िया, अरे यार बढ़िया शॉट। हेल्प ब्रेकर के लिए बहुत सही मौका है। सर पे पड़ी, नाइस। तो यार इसका म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर देखता हूँ कुछ हर्ब्स वगैरह मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें कम है। तो लगता है एक बार हर्ब हंटिंग में भी जाना पड़ेगा। यार एक तो यहाँ पर मुझे ये दिक्कत लग, अरे यार एक तो यहाँ पर मुझे ये दिक्कत लगती है कि पैसिवली डैमेज मिलता रहता है मेरे को, तो इसको थोड़ा इधर बुला लूँगा मैं। थैंक्स बिल्ले। अगर
यहाँ पर जाऊँगा तो थोड़ी जहर से भी छुटकारा मिलेगा। फिर से डिफेंस डाउन हो चुका है मेरा। एक और बार। कैसे यार इतने छोटे से एरिया में। नहीं इतने छोटे से एरिया में मैंने हेल्म ब्रेकर मिस किया। डिफेंस डाउन को नल वेरी से मैं कम कर सकता हूँ क्या? ट्राई करता हूँ। नहीं, नलबेरी खा ही नहीं रहा तो डिफेंस डाउन से नलबेरी का कोई लेना देना नहीं है। स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, एटलीस्ट एक वॉल बैंक दे पाऊंगा। यार ये फिर से माइजमा वाले एरिया पे गया हुआ है। बढ़िया, मौका मिलते टेन ड्राइव। बहुत ही बुरा हुआ। एनिमेशन पे अटक गया था मैं। टेंडराइज करना पड़ेगा इसके पैरों को फिर से। नाइस, पहला पैर हो चुका है। थैंक्स बिल्ले। दूसरा पैर भी हो जाएगा। नाइस, हेल्म ब्रेकर सक्सेसफुल। पार्ट ब्रेक आया है मुझे, बढ़िया। एक और बार। नाइस, ब्रेकर की तैयारी। बहुत सही टाइम पे फोरसाइट। फोरसाइट जितनी बार भी इसका सक्सेसफुल होता है तो उतनी ही बार उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। एक और बार कोशिश करूँगा हेल्म ब्रेकर की। सक्सेस, फोरसाइट। थोड़ा सा, अरे यार थोड़ा सा फैमिलियर होने लगा हूं मैं इसके मूव सेट के साथ। टेल काट दी, टेल खत्म। बढ़िया, वही दिक्कत है फिर से कि फोरसाइट मैंने सक्सेसफुली लगा तो लिया लेकिन ये भी काफी डिस्टेंस में चला गया। फोरसाइट लगाना चाहिए था एकदम सामने, तब मैं लगा नहीं पाया। हील कर लेता हूँ खुद को। नहीं यार, हमेशा की तरह। खैर कोई दिक्कत नहीं, टेल कट चुकी है यार, अच्छा अचीवमेंट है। टेल को हार्वेस्ट करूंगा, ग्लेविनस ब्लेड मिल ही जाएगा। बहुत सही, आगे की तरफ गया है ग्लेविनस तो वही चलता हूं। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि एक बार शार्पन करना पड़ेगा।
पैसिवली डैमेज जा रहा है मेरे को एनवायरनमेंट से, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चलो इस बार एरिया थोड़ा अच्छा है, एनवायरनमेंट से पैसिव डैमेज जाएगा नहीं। पैरों को फिर से टेंडराइज करना पड़ेगा। लेवेनस का मेरे को यही अच्छा चीज़ लगता है, उसके हिटबॉक्सेस थोड़े अच्छे हैं। मतलब वो अगर पूंछ पे पूंछ से अगर वो वार कर रहा है तो उसका कहीं और से डैमेज नहीं जाएगा। एंजेला सिर्फ चलने लगता था, उसकी पूंछ से डैमेज ज़्यादा था। मुझे लगा था वो लाइव स्पिरिट स्लैश में एकदम वक्त पे लगा सकता हूँ। लैवेनस कमजोर होने लगा है यार, शायद नहीं। एक बॉम्ब पॉड मारूंगा इसको, इसका अटेंशन यहां पर लाऊंगा। बहुत सही, यही मौका है। मिनी मैप में देख सकते हो ग्लैविनस भूखा लग रहा है। प्लीज लग जा। अरे यार नहीं, गुस्सा आ गया इसको। ऑफ कोर्स डिफेंस भी डाउन हो चुका है मेरा। नहीं, कितनी कोशिश और करनी पड़ेगी। क्यों? अरे यार, चलो अच्छा एक सवारी मिल चुकी है, बढ़िया। अब क्योंकि सर टेंडराइज है, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा डैमेज मैं उसके हेड पे दे सकूं। देख सकते हो यार मेरा स्टैमिना का कैप भी जो है वो खत्म होने लगा है, और एक तो पैसिव डैमेज जा रहा है मेरे को। नाइस, ये क्यों हुआ? हील कर लेता हूँ जल्दी से खुद को। लेगियाना की लाश पड़ी हुई है यहाँ पे। लाश से कुछ उठा सकता हूँ क्या? शायद उठा सकता हूँ। थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ ताकि मेरे को एनवायरमेंटल डैमेज ना हो। और यहां पर आ चुका है ग्लैविनस भी। बिना किसी डर के मैं मारूंगा। और हेल्म ब्रेकर, चलो अच्छा पड़ा। अरे यार, फॉलो अप मूव में समझ ही नहीं पा रहा हूं। अरे भाई रुक जा यार, मौका तो दे।
रुकने का नाम नहीं ले रहा ये, और मेरा तलवार भी अनशार्पन हो चुका है। चलो अच्छा, उसका एग्रो ख़त्म हुआ। काफ़ी बड़ा हंट जा रहा है यार ये, उतना एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने। लगता है मैं जो वेपन लेके आया हूँ वो इसका वीकनेस नहीं है। बढ़िया डॉज। ऑफ कोर्स। अरे यार, फोरसाइट करने ही वाला था मैं, टाइमिंग खत्म हो गई। ओके, बढ़िया, कमजोर हो चुका है ये। देखता हूँ मेरे पास ट्रैप टूल्स होंगे। ट्रैप टूल्स है, बढ़िया। अगर मैं इसको वॉल बैंक भी यहाँ पर कर दूँ तो मैं इसको यहीं पर ट्रैप कर सकता हूँ। स्टोन्स है, हेल्थ फुल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं नहीं चाहता अचानक से ये कहीं पर रुक जाए और मैं एक बार फेंट कर जाऊं। तो यार यहां पर देख सकते हो कटा हुआ ब्लेड फिर से। ऊपर भी देख सकते हो मेरा जो स्टैमिना का कैप है वो भी रिड्यूस हो चुका है। ये मॉन्स्टर हंटर में मतलब यही रहता है कि जैसे जैसे क्वेस्ट में टाइम आगे बढ़ता है स्टैमिना कैप जो है वैसे वैसे रिड्यूस होने लगता है। तो उसके सोने का वेट करूंगा यहां पर मैं। तब तक फार्म भी कर लूंगा। सो जा ग्लेविनस, कोई नहीं है यहां पे, थोड़ा शायद दूर जाना पड़ेगा। नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही मारूंगा मैं। अच्छा, मैं अपने साथ गिली मैंटल लेकर आया था, नहीं तो वो फिर हिलता रहता इधर उधर से और मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाता। कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था ये, मुझे नहीं लगा था इतना मुश्किल होएगा। इसकी सबसे घटिया बात तो यही थी कि जैसे ही इसके ब्लेड्स लगते थे या फिर मैं कभी भी फोरसाइट करता था तो ये फोरसाइट के कॉम्बो कंप्लीशन की पोजीशन में ही नहीं रहता था। तो काफ़ी सारे आइटम्स मिल चुके हैं। ग्लेविनस मैंटल मिल चुका है मेरे को। देखते ये चीज़ ग्लेविनस वाले इंसेक्ट ग्लेव को अपग्रेड करने में काम आता है कि नहीं। और क्योंकि एस्टेरा में हूँ सबसे पहले वही चलते हैं, ग्लेविनस का इंसेक्ट ग्लेव देखता हूँ अगर अपग्रेड हो सके तो। अपग्रेड इक्विपमेंट, ओके ओके, ग्लेविनस हार्ड शेल और कुछ तो भी नाखून टाइप का मुझे दिख रहा है और मुझे नहीं लगता वो ग्लेविनस से कुछ रिलेटेड है, या फिर शायद हो भी सकता है और मुझे पता ना हो। एक बार अपने आइटम बॉक्स में भी चेक कर लेता हूँ कि मैंने ग्लेविनस के नाखून वगैरह कलेक्ट किए कि नहीं। मैनेज आइटम्स,
कुछ है नहीं यहाँ पर वैसे देखने के लिए। पता नहीं मेरे को, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो अपने सारे आइटम्स वगैरह देख सकते थे, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, शायद एक चीज़ में देख सकता हूँ मैं, सेल में नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ इक्विपमेंट्स ही सेल कर सकते हैं। शायद अगर मैं यहाँ पर जाके सेल आइटम्स पर क्लिक करूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये सब आइटम्स है अपने पास। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि ग्लेविनस का कुछ है कि नहीं। सॉर्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे। बैरियोथ है, नार्गाकुगा है, असीडिक ग्लेविनस का देखना है मेरे को, गीरोस का भी है, जेनोजीवा, वालहजाक, लवासियोथ, लग नहीं रहा मेरे को। एक बार इकोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के पास जाकर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने ग्लेविनस को हंट किया है और मुझे उसके इक्विपमेंट्स मिले हैं तो चांसेस है कि ग्लेविनस की डिटेल्स में मुझे दिखा सकता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं मेरे पास, इक्विपमेंट्स ही, कौन कौन से आइटम्स हैं मेरे पास ग्लेविनस के। मॉन्स्टर फील्ड गाइड में जाऊँगा और सर्च करूँगा यहाँ पर ग्लेविनस को। एसिड ग्लेविनस पहले मिल चुका है, आइटम्स वगैरह नहीं दिखा रहे। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो यार नेक्स्ट क्वेस्ट है अपना बैड फ्रेंड ग्रेट एनिमीज। तो यार उसके लिए करना पड़ेगा तुमको वेट, क्योंकि वो मैं करूँगा अगले एपिसोड पे, क्योंकि आज का एपिसोड काफ़ी लंबा जा चुका है। कुछ मतलब जितने ही मॉन्स्टर थे ऑलमोस्ट सारे के सारे नए ही थे और मैं भी थक चुका हूँ अभी। तो यार होप करता हूँ तुमको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि नए मॉन्स्टर कैसे लगे, उनके नए मूव सेट्स कैसे लगे। डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा अभी एस्केलेट हो चुका है, होपफुली उसी के हिसाब से मैं अपने वेपन्स वगैरह भी क्राफ्ट कर पाऊँ। तो यार इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मैं मिलता हूँ तुमको मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पे।